जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे वेट करो एक मिनट, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। ये है इन्फिनिक्स नोट 35G, याद होगा ना आपको। इसके ऊपर हमने कैमरा टेस्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू गाइज, क्योंकि इसके कैमरा टेस्ट के वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। एक दिन के ही अंदर 6000 व्यूज़ क्रॉस कर गया था, और आज तक किसी भी वीडियो पे एक दिन के अंदर 6000 व्यूज़ क्रॉस नहीं किया मेरे किसी भी वीडियो पे। उस वीडियो के लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिल से थैंक यू गाइज। और हाँ गाइज, आज के वीडियो में अभी आप टाइमिंग देखोगे सुबह के 8 बज रहे हैं, और फ़ोन को हमने 100% चार्ज कर दिया है, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। इसीलिए हमने फ़ोन को 100% चार्ज कर दिया है। आज पूरे दिन इस स्मार्टफोन को हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे। दिन भर यूज़ करने के बाद ये देखेंगे कि 100% से 0% आते आते ये स्मार्टफोन हमें कितने टाइम का बैकअप देता है। और इसी के साथ गाइज, जब ये स्मार्टफोन फुल डिस्चार्ज हो जाएगा, इसे वापस से चार्ज करेंगे और ये भी देखेंगे चार्ज होने में ये कितना टाइम लगाता है। देखो, अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए सोच रहे हो, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा इस स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट के बारे में। और आपको पता है, हमने कभी भी एक क्रिएटर की तरह कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया है, एक यूज़र की तरह ही शेयर करता हूँ। जैसा मैं यूज़ करता हूँ, जैसा कुछ फ़ोन में होता है प्रॉपर, मैं सब कुछ वैसा ही शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेरा नाम है प्रतीक, आप सभी देख रहे हो टेक टॉक। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और आप चैनल पर देख रहे हो कि हम 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे गाइस, एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ आपको, आओ बाहर चलते हैं। यहाँ पर देखोगे मौसम कितना अच्छा हुआ है गाइस। ये है हमारे उत्तर प्रदेश का मौसम। पता नहीं आप कहाँ से होंगे, उत्तराखंड, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, बट गाइस ये है उत्तर प्रदेश। 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है, और अभी भी आप देखोगे ना फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, क्योंकि जस्ट अभी बारिश हुआ। और ऊपर आप बादल देखो, पूरा काला काला बादल है चारों तरफ। तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वीडियो चैनल पर थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा है। जब भी हम वीडियो बनाने जाते हैं बारिश होने लगता है, वीडियो बंद करना पड़ता है। और अगर मैं शांत हो जाऊँ, बैकग्राउंड में देखोगे मेंढक की आवाज़, चारों तरफ मेंढक ही टर टर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमें गाँव में देखने को मिलेगा। ओके, तो गाइज आ चुके हैं हम कमरे में, क्योंकि बाहर वीडियो शूट करने का कुछ मतलब ही नहीं है, पता नहीं कब बारिश होने लग जाए। अब आ गया है सबसे मुश्किल काम, जो कि है इस स्मार्टफोन को कहीं होल्ड करना, क्योंकि स्मार्टफोन जल्दी होल्ड करो होते ही नहीं है, बार बार गिर जाते हैं। तो होल्ड करने के लिए हमें चाहिए कुछ ये, जो कि दरवाजे का लॉक है गाइस, इसको रखेंगे कुछ इस तरीके से, एंड एक चार्जर। चार्जर से हम सिर्फ चार्ज ही नहीं करते, हम फ़ोन को होल्ड भी करते हैं इससे। तो कुछ इसे यहाँ रखते हैं इस तरीके से, एंड ओके, और फ़ोन को अब यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखा कितना आसान तरीके से होल्ड हो गया। वैसे अगर मैं चार्जर ना लगाऊँ ना तो बार बार स्मार्टफोन गिरते जाएगा। अब क्या करते हैं गाइस, इस स्मार्टफोन के अंदर मूवी प्ले करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर मैं MX प्लेयर पर आ गया हूँ, एंड यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मूवी को प्ले करते हैं। और यहाँ पर हमने फ़ोन के अंदर ब्राइटनेस को फुल कर दिया है, और मोबाइल डाटा को भी ऑन कर देते हैं। अब चलिए गाइस, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ कुछ टाइम में। गाइज, मैंने आपसे कहा था ना कि बारिश होने वाला है। बाहर देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, ऊपर काले काले बादल और बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा है। यहाँ पर जो टाइमिंग देखोगे 11 बज रहे हैं, एक्यूरेट अभी परफेक्ट यहाँ पर 11 बज रहा है। और जब बारिश होता है गाइज, काफ़ी अच्छा है बारिश हो रहा है, बट बारिश में एक प्रॉब्लम है, बारिश होने लगता है तो लाइट कट जाती है, और जब लाइट कट जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और जब अंधेरा हो जाता है तो वीडियो शूट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बारिश होना काफ़ी अच्छा है, और जो लाइट कट जा रहा है वो तो काफ़ी ख़राब है। वैसे आप यहाँ पर देखोगे हमने मूवी को अभी भी प्ले करके रखा है। तो गाइज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 घंटे बाद, और यहाँ पर देखोगे जो हमारा मूवी था, हमने प्ले किया था, वो भी फाइनली ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको टाइमिंग शो करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप टाइमिंग देखोगे, यहाँ पर जो अभी टाइमिंग हो रहा है 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं गाइज। और यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज देखोगे, तो जो बैटरी परसेंटेज है
वो 56% बैटरी अभी भी बचा हुआ है। हम सुबह 8 बजे से स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं गाइस, 2 मूवी हमने कंटिन्यू प्ले किया और अभी जो टाइमिंग हो रहा है 12 बज गए, 56% बैटरी बचा हुआ है। तो चलो थोड़ा बहुत और यूज़ करते हैं। वैसे अभी बारिश हो रहा था, अब बाहर देखोगे बारिश भी बंद हो गया है। तो गाइस वापस से हमने फ़ोन को यहाँ पर सेट कर दिया है, MX प्लेयर पे मैं हूँ। अब यहाँ पर हम दूसरा मूवी प्ले करते हैं, ओके, एंड यहाँ पर शुरू से मूवी को प्ले करते हैं। हमने मूवी को प्ले कर दिया है एंड यहाँ पर हमने ब्राइटनेस को और डाटा को ऑन करके रखा है। गाइज यहाँ पर फोन को यूज करते करते काफी ज्यादा टाइम हो गया है। अभी टाइमिंग शो करूँ तो अब आप टाइमिंग देखोगे यहाँ पर 2:11 हो रहे हैं और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देखोगे 28% बैटरी बचा हुआ है। तो दोपहर के 2 बज रहे गाइज, सुबह 8 बजे से हम इस स्मार्टफोन को यूज करना स्टार्ट किए थे, 2 बज गए, 6 घंटा हमने कंटिन्यू यूज किया है और यहाँ पर 28% बैटरी बचा हुआ है। अब यहाँ पर ट्राइपॉड का काम खत्म हो गया है, अब ट्राइपॉड का काम आ गया है यहाँ पर गाइस। यहाँ पर हम सेटअप कर रहे हैं ट्राइपॉड को क्योंकि अब हम करने वाले हैं गेमिंग फ़ोन के अंदर, तो चलो गेमिंग करते हैं थोड़ा बहुत। दोस्त यहाँ पर देखोगे गेम को हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके तो गाइस अभी आ गए हैं छत पे और आज बारिश बहुत हो रही है, जस्ट अभी बारिश हुआ, ये देखो सब पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। एंड गाइस 2 घंटा इस स्मार्टफोन में गेमिंग करने के बाद अभी जो टाइमिंग हो रहा है यहाँ पर, अगर टाइमिंग देखोगे 4:28 हो रहा है और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देखोगे केवल 4% बैटरी बचा हुआ है स्मार्टफोन के अंदर। तो गाइस ये स्मार्टफोन पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है। हमने जो इस स्मार्टफोन को टोटल यूज़ किया 8.5 घंटा इस स्मार्टफोन को हमने कंटिन्यू यूज़ किया है विदाउट किसी ब्रेक के गाइस। आपको पता होगा कि इस स्मार्टफोन को हम सुबह 8 बजे से यूज़ कर रहे हैं और अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका बैकअप 8.5 घंटे का इसने बैकअप दिया है। अब यहाँ पर ये स्मार्टफोन पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है, चलिए इसे वापस से चार्ज करते हैं और ये देखते हैं कि ये स्मार्टफोन चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है। ओके तो गाइस फ़ोन को लगाते हैं चार्जिंग पे। वैसे ये स्मार्टफोन 5000 mAh के बैटरी के साथ में आता है और 45 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। हमने चार्जर को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर चार्जिंग लगाते हैं स्मार्टफोन को। ओके यहाँ पर स्मार्टफोन चार्ज होने लगा, 4% अभी स्मार्टफोन चार्ज है। एंड यहाँ पर हम टाइमर को ऑन कर देते हैं। ओके तो गाइज़ यहाँ पर देखोगे जो हमारा स्मार्टफोन है वो 100% फुल चार्ज हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसे चार्ज होने में जो हमें टाइम लगा, यहाँ पर अगर आपको टाइमिंग शो करूँ तो प्रॉपर 1 घंटा 1 मिनट का समय लगा इस स्मार्टफोन को चार्ज होने में। सो गाइज़ फाइनली यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट के ऊपर। वैसे मैं आपको दिखाऊँ इस समय मैं वीडियो कैसे शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे लाइट कट चुका है गाइज़, अब पता नहीं लाइट कब आएगा। यहाँ पे हमने 3 फोन को माउंट किया है, 1, 2, 3, और तीनों स्मार्टफोन का फ्लैश लाइट ऑन है गाइस। अब पता नहीं यहाँ पर लाइट का वेट हम लोग कब तक करते हैं, इसलिए मैंने सोचा जब हमारे पास इतने सारे फ़ोन है तो फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। वैसे गाइस बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो इस स्मार्टफोन को अगर आप एक बार सिंगल चार्ज कर देते हो पूरे दिन यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कंटिन्यू यूज़ किया और विदाउट ब्रेक लिए यूज़ किया गाइस, तो हमें 8 घंटे का बैकअप देखने को मिला। लेकिन आपको भी पता है कि अगर आप एक स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो नॉर्मल यूज़ करोगे, दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का ब्रेक ज़रूर लोगे गाइस, तो एक बार सिंगल चार्ज करोगे ये पूरे दिन का आपको बैकअप दे देगा। और हाँ चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन फुल चार्ज होने में 1 घंटा 1 मिनट का समय लगाता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ इस मेहनत के लिए तो ज़रूर लाइक करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।